Hello students, I am Purva Khandelwal from Erbil International School. I am your SST teacher. Students, today I am going to teach you chapter number 1 of SST. Okay, this is our SST book, page number 5. So students, let's start our chapter. Looking at our world. ठीक है, हम लोग इस चैप्टर में हमारे वर्ल्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं कि वर्ल्ड के बारे में क्या क्या चीज़ें हमको जानने वाली होती है. ओके, जैसे कि मैप्स क्या होते हैं, जैसे हम लोग कहीं अगर घूमने के लिए जा रहे हैं और हमें उस डेस्टिनेशन का प्रॉपर रास्ता नहीं पता तो हम लोग उस समय मैप का यूज़ करते हैं. ठीक है, जैसे अभी गूगल मैप का यूज़ करते हैं हम लोग, जिससे हम लोग को जिस डेस्टिनेशन पर पहुँचना है वो हमें प्रॉपर एड्रेस मिल सके. वी नो दैट द अर्थ इज राउंड एंड हैज वाटर बॉडीज, माउंटेन्स, डेजर्ट एक्सेट्रा ऑन इट. हाउएवर, सिंस द अर्थ इज सो बिग, इट इज़ डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ टू लुक फ्रॉम फार अवे. ठीक है, जिसे ग्लोब होता है, ओके, उस पर अर्थ का मॉडल होता है. ग्लोब एक तरीके से उस पर सारी जो जगह है, चाहे कितनी भी दूर हो, उन सभी के बारे में शो किया जाता है. दिस इज़ वे वी यूज ग्लोब एंड मैप्स टू हेल्प अस अंडरस्टैंड टू शेप एंड फीचर्स ऑफ आर अर्थ बेटर. हम लोग एक ही टाइम में पूरी अर्थ को नहीं देख सकते, इसीलिए ग्लोब बनाए गए हैं ताकि हम लोग सेम टाइम पर ज़्यादा से ज़्यादा दूरी की जो प्लेसेस हैं उन्हें भी हम लोग ठीक से देख सकें. फर्स्ट टॉपिक इज आर ग्लोब. अ ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ अर्थ. वी ऑल नो दैट कि ग्लोब जो होता है वो एक अर्थ का ही मॉडल होता है, क्योंकि उस पर हर प्लेस को शो किया जाता है. अर्थ इज राउंड इन शेप बट मच स्मॉलर इन साइज, सो दैट वी कैन इजीली सी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ. वी कैन ऑल्सो मूव अ ग्लोब राउंड एंड राउंड सो दैट इज रोटेट्स जस्ट लाइक द अर्थ डज. अ ग्लोब कैन बी हेल्ड इन हैंड और पुट ऑन अ टेबल. ग्लोब को हम लोग रोटेट कर सकते हैं क्योंकि ग्लोब रोटेट हो सकता है. जैसे अर्थ रोटेट होती है उसी तरीके से ग्लोब को भी हम लोग रोटेट करके देख सकते हैं. लेकिन ग्लोब क्या होता है, टेबल पे हम लोग उसको इजीली रख सकते हैं, उसे हम लोग एक ही टाइम में बहुत सारे प्लेसेस को उसमें सी कर सकते हैं. वॉट द अर्थ लुक लाइक बट देयर आर सम प्रॉब्लम विथ यूजिंग ग्लोब्स. वी कैन नॉट सी द एंटायर अर्थ एट अ सिंगल टाइम ऑन देम. ग्लोब शो ऑनली वन हाफ ऑफ द अर्थ एट अ टाइम. हम लोग एक ही टाइम में पूरी अर्थ को नहीं देख सकते हैं, इसीलिए ग्लोब बनाए गए हैं. ठीक है, जब भी हम ग्लोब को रोटेट करते हैं तो हम वन टाइम में हाफ साइड देख सकते हैं और वन टाइम में उसकी दूसरी साइड देख सकते हैं. नेक्स्ट है मैप्स. अ मैप इज अ ड्राइंग ऑफ द एंटायर अर्थ ऑफ पार्ट ऑफ इट. ठीक है, जो मैप होता है वो क्या होता है, मैप में हर प्लेस को शो किया जाता है कि कौन सी प्लेस इतनी दूरी पर है, या जो हमारी अर्थ है उसके हर हिस्से को उसमें शो किया जाता है. इट कैन बी स्मॉल और लार्ज. मैप्स स्मॉल भी हो सकते हैं और लार्ज भी हो सकते हैं. इट गिव मोर डिटेल देन अ ग्लोब एंड इज ऑल्सो ईजियर टू कैरी. जैसे ग्लोब में हमें हर प्लेस की इंफॉर्मेशन मिलती है, उसी तरह मैप में भी हर प्लेस को अच्छे से शो किया जाता है. लेकिन जो मैप होते हैं वो बहुत ईजी होते हैं और कैरी करने में भी ईजी होते हैं. सो डिपेंडिंग ऑन योर नीड यू कैन यूज मैप ऑफ द एंटायर वर्ल्ड और अ मोर डिटेल्ड मैप शोइंग ओनली वन सिटी और अ कॉलोनी. कुछ मैप्स ऐसे होते हैं जैसे अगर हमें प्रॉपर सिर्फ एक ही सिटी का एड्रेस चाहिए या एक ही सिटी का हम देखना चाहते हैं तो हम लोग मैप पर उसे भी इजीली देख सकते हैं. मैप आर ड्रॉन ऑन पेपर एंड अदर मटेरियल्स. सम मैप्स आर क्वाइट लार्ज एंड कैन बी हैंग ऑन अ वॉल. ठीक है, मैप्स बड़े भी होते हैं, मैप्स छोटे भी होते हैं. कुछ मैप ऐसे होते हैं जिन्हें वॉल पर हैंग किया जाता है, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, वॉल मैप. लेट अस फाइंड मोर अबाउट द डिफरेंट फीचर्स ऑफ द अर्थ दैट कैन बी सीन ऑन मैप एंड ग्लोब्स. ठीक है, हम लोग अर्थ के और भी फीचर्स के बारे में रीड करेंगे जिसे ग्लोब और मैप्स पर शो किया जाता है. एटलस अ बुक ऑफ मैप. ठीक है, जो बुक होती है जिसपे मैप को शो किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं एटलस. नेक्स्ट है लैंडफॉर्म. फीचर्स ऑफ द अर्थ. अर्थ के जो अलग अलग फीचर्स होते हैं उसे हम लोग लैंडफॉर्म कहते हैं. जैसे कहीं पर माउंटेन्स वाला एरिया होता है, कहीं पर हिल्स वाला एरिया होता है, कहीं पर फ्लैट एरिया होते हैं. तो ये सारे क्या होते हैं, लैंड्स के फीचर होते हैं. द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर. अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विथ वाटर वाइल द रिमेनिंग इज कवर्ड विथ लैंड. ठीक है, हमारी अर्थ का जो 3/4 पार्ट है वो वाटर से कवर अप है. अ वेरी लार्ज मास ऑफ लैंड इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट. कॉन्टिनेंट, वॉट इज कॉन्टिनेंट, अ लार्ज मास ऑफ लैंड. ठीक है, लैंड का एक जो लार्ज मास होता है उसे हम लोग कहते हैं कॉन्टिनेंट. देयर आर 7 कॉन्टिनेंट इन आर कंट्री. देयर आर 7 कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड. हमारे वर्ल्ड में टोटली 7 कॉन्टिनेंट है.
First is Asia, second Europe, third Africa, fourth North America, fifth South America, sixth Australia and seventh Antarctica. देखिए यहाँ पर जो हमारे कॉन्टिनेंट्स है इनमें एक चीज कॉमन होती है कि हमारे कॉन्टिनेंट का फर्स्ट नेम जिस लेटर से स्टार्ट होता है ये एंड भी उसी लेटर पे होते हैं। जैसे एशिया ए से स्टार्ट हो रहा है तो ये एंड भी ए पर ही होगा। इसी तरीके से देखिए सारे, यूरोप ई से स्टार्ट हुआ ये एंड भी ई से होगा, अफ्रीका ए से स्टार्ट हुआ ये भी ए पर ही एंड होगा। इस तरीके से हमारे कॉन्टिनेंट में ये चीज है कि वो जिस लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं उसी लेटर पर इनका एंड होते हैं। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट व्हाइल ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। कॉन्टिनेंट्स यूजली कॉम्प्राइज ऑफ मेनी कंट्रीज आर कंट्री। इंडिया इज वन ऑफ द मेनी कंट्रीज दैट मेक अप द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। द सर्फेस इज द अर्थ इज नॉट इवन, सम पार्ट्स ऑफ द अर्थ आर रफ व्हाइल सम आर फ्लैट, सम आर राइज्ड व्हाइल सम लाई लो। मैंने अभी बताया था कि हमारे जो लैंडफॉर्म्स हैं, हमारे जो अर्थ के फीचर्स हैं, वो कहीं पर बहुत ज़्यादा रफ है, कहीं पर बिल्कुल फ्लैट है, कहीं पर हल्के से राइज्ड एरिया है, कहीं पर सैंड वाले एरिया है, कहीं पर रॉक्स वाले एरिया है। While other are covered with plants, और कुछ एरिया ऐसे हैं जो प्लांट से भी कवर्ड है। दिस फीचर्स ऑफ द अर्थ सर्फेस आर कॉल्ड लैंडफॉर्म। देयर आर मेनी डिफरेंट लैंडफॉर्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ सच एज माउंटेन्स, प्लेन्स एंड प्लेट्यूज। वी कैन स्टडी द लोकेशन एंड फीचर्स ऑफ दिस लैंडफॉर्म विद द हेल्प ऑफ स्लोप्स एंड मैप्स। हम लोग अपने लैंड हमारे अर्थ पर जितने भी लैंडफॉर्म्स हैं इनके फीचर्स के बारे में हम लोग ग्लोब और मैप में इजीली रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट है ओशंस। एन ओशन इज वेरी लार्ज बॉडी ऑफ वाटर ऑन द अर्थ सर्फेस। ठीक है, ओशन क्या होते हैं? वेरी लार्ज बॉडी ऑफ वाटर ऑन द अर्थ सर्फेस। अर्थ के सर्फेस पर जो वाटर की बहुत ही लार्ज बॉडी होती है उसे हम लोग कहते हैं ओशन। ओशन यूजली वेरी डीप, जो कि बहुत ज़्यादा गहरे होते हैं। देयर आर फाइव ओशंस इन द वर्ल्ड, द पैसिफिक ओशन, द एटलांटिक ओशन, द इंडियन ओशन एंड आर्कटिक ओशन एंड द साउथर्न ओशंस। ठीक है, ये फाइव ओशंस हैं हमारे। द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट एंड द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। द आर्कटिक ओशन इज द स्मॉलेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। सबसे लार्जेस्ट ओशन हमारा पैसिफिक ओशन है और जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो आर्कटिक ओशन है। ओशन आर सीज कंटेन वाटर व्हाइल सीज आर स्मॉलर देन ओशन। ठीक है, जो सीज होते हैं मीन्स जो समुद्र होते हैं वो ओशन से थोड़े छोटे होते हैं। व्हाइल लुकिंग एट अ ग्लोब और मैप, जब हम ग्लोब और मैप पर इसे सी करते हैं तो वो छोटे दिखाई देते हैं। वी विल फाइंड दैट द सीज एंड ओशन आर इनकरेक्टेड। द लेवल ऑफ वाटर इन द सीज एंड ओशन रिमेन द सेम एवरीवेयर एंड इज नोन एज द सी लेवल। ठीक है, जो सी और ओशन होते हैं इनमें कॉमनली मतलब जो वाटर लेवल होता है वो लगभग सेम होता है। Therefore, the height or the depth of any point on the earth is measured from the sea level. For example, when we say that an aeroplane is flying at height of 9000 meter, we mean it is flying 9000 meter above the sea level. Next, colors and symbols of a map. जो map होता है उसमें colors और symbols से particular जो places हैं उन्हें show किया जाता है। जैसे कहीं पर अगर railway line है तो उसे railway line के diagram से show किया जाता है। ठीक है, river या stream कहीं है आगे जब आएगी रास्ते में तो उसे भी show किया जाता है। forest है तो उसे forest से show किया जाता है। लाइक दैट, देखिए ये एक मैप का ही है। सम कॉमन साइन एंड सिंबल्स, जिसे कुछ कॉमन साइंस और सिंबल्स से शो किया जाता है। व्हेन वी लुक एट मैप और ग्लोब वी कैन सी डिफरेंट प्लेसेस मार्क्ड इन डिफरेंट कलर्स। जब हम ग्लोब या मैप्स पर देखते हैं तो कुछ डिफरेंट प्लेसेस को कुछ स्पेशल मार्क से शो किया जाता है। ओशन एंड द अदर वाटर बॉडीज सच अ रिवर्स लेक एंड सीज आर मार्क्ड इन ब्लू। ठीक है, जब भी किसी वाटर बॉडीज को मैप या ग्लोब पर शो किया जाता है तो उसे ब्लू कलर से शो करते हैं। कॉन्टिनेंट आर मार्क्ड इन कलर्स अदर देन ब्लू लाइक ब्राउन और येलो। मैप्स ऑल्सो यूज सिम्बल्स सो देट इज ईजी टू अंडरस्टैंड डिफरेंट फीचर्स इन ए स्मॉल स्पेस। ठीक है, मैप्स में बहुत सारे सिम्बल्स को शो किया जाता है जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं कि आगे क्या आने वाला है। The colors, scheme and symbols are used in all maps so that once you learn them, reading and understanding maps becomes very easy. ठीक है, जब इसमें बहुत सारी चीज़ों को अलग अलग कलर्स सिंबल्स साइंस से शो किया जाता है तो इसे रीड करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑन अ मैप। ठीक है, मैप पर जो डायरेक्शन शो की जाती है, यू ऑल नो दैट की फोर डायरेक्शन होती हैं हमारी। वी कैन लोकेट प्लेस ऑन अ मैप विद द हेल्प ऑफ फोर मेन डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, ये फोर हमारी डायरेक्शन होती है, एन ई डब्ल्यू एस।
If you look at all wall map, you will see the north directions marked on this top. जब भी हम wall map पर देखते हैं तो जो north direction होती है वो सबसे top पर show की जाती है. The bottom of the map will be marked south. और जो सबसे bottom area होता है उस पर south area को show किया जाता है, south direction को. To your left will be the west, while to your right will be the east. All maps show direction in this way. सभी maps में direction को इसी तरीके से show किया जाता है. We can find direction with the help of an instrument are called compass. हम लोग directions को जिस instrument की help से search करते हैं या पता लगाते हैं उस instrument को compass कहा जाता है. A compass has a needle that always point towards the north direction. Once we know the north direction, we can find out other directions easily. इसी तरीके से हम लोग compass की help से directions को easily देख सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर में ग्लोब के बारे में रीड किया. ग्लोब क्या होते हैं? मॉडल ऑफ अर्थ. ग्लोब अर्थ का ही एक मॉडल होता है. सेकंड, हमने मैप्स के बारे में रीड किया है. ड्राइंग ऑफ द इंटायर अर्थ और अ पार्ट ऑफ इट. मैप्स में अर्थ के ही पार्ट्स को ड्रॉ किया जाता है जिससे हम लोग को जो प्लेसेज हैं उसे हम लोग आसानी से देख सकें. हम लोगों ने वॉल मैप्स के बारे में रीड किया है. ओशन, सी, लैंडफॉर्म, सी लेवल, कॉन्टिनेंट, इन सभी के बारे में हम लोगों ने इस चैप्टर में रीड किया है. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड अबाउट दिस चैप्टर. थैंक यू.